मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चाणक्य बायोग्राफी पार्ट नंबर 1। अ ग्रेट लीडर, अ ग्रेट स्कॉलर, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर हु इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ कौटिल्या, विष्णुगुप्त। एंड दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज विशाली शर्मा, योर एजुकेटर एट पैशन पाठशाला। दिस इज अबाउट पैशन पाठशाला। पैशन पाठशाला इज इंडियाज फर्स्ट ऑल वुमेन एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फॉर एग्जाम्पल SSC, स्टेट PSC, बैंकिंग, UPSC, रेलवेज। यू कैन फॉलो अस ऑन पैशन पाठशाला 2018। सो थॉट ऑफ द डे, लेट्स बिगिन विद द थॉट ऑफ द डे विच इज गिवन बाय द ग्रेट चाणक्य। एज सून एज द फियर अप्रोच इज नियर, अटैक एंड डिस्ट्रॉय इट। सो इसका मतलब है कि जैसे ही आपको लगे कि आपका डर आपके पास आ रहा है, उस पर अटैक कीजिए और उसको डिस्ट्रॉय कीजिए और अपने डर पर विजय पाइए। सो लेट अस बिगिन अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स, वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स अबाउट चाणक्य, हु इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ कौटिल्या एंड विष्णुगुप्त। So Vishnugupt, Kautilya are the other names of Chanakya. He was born around 350 BC and is known for his being the chief architect of Maurya Empire and writing the pioneering work in the economics and political science that is also known by the name of Arthashastra. So see friends, Arthashastra Kautilya ki likhi gayi ek bahut hi important book hai jiske bare mein hame janna bahut zaruri hai. So जो कौटिल्या थे, जो विष्णुगुप्त और जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उनका जन्म हुआ था अराउंड 350 BC और उनको चीफ आर्किटेक्ट माना जाता है मौर्य एम्पायर का। और उन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया इकोनॉमिक्स मींस अर्थशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस में। सो चाणक्य वॉज द फादर्स नेम एंड कौटिल वॉज हिज गोत्र, एक्सप्लेनिंग हिज टू नेम्स। दैट्स वाई चाणक्य एंड कौटिल्या वर हिज टू नेम्स। लेट अस मूव फर्दर। चाणक्य वॉज आइडेंटिफाइड विद विष्णुगुप्त इन अ वर्स इन हिज अर्थशास्त्र। ही वॉज इनिशली अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पोलिटिकल साइंस एट द एंशियंट तक्षशिला यूनिवर्सिटी इन तक्षशिला इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। सी फ्रेंड्स, वो एक प्रोफेसर के पदवी पे काम करते थे, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे और पोलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे, जो कि एंशियंट तक्षशिला यूनिवर्सिटी में है थे एट एंशियंट तक्षशिला यूनिवर्सिटी इन तक्षशिला। सो राइट नाउ जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है वो पाकिस्तान में है। ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मौर्यन एम्पायर, विच वॉज द फर्स्ट एम्पायर इन आर्कियोलॉजिकली रिकॉर्डेड हिस्ट्री टू रूल मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सी फ्रेंड्स, मौर्यन एम्पायर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एम्पायर है जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, और किस तरह से इन्होंने उस एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट किया। और ये फर्स्ट एम्पायर है आर्कियोलॉजिकली जो कि रिकॉर्ड हुआ है हिस्ट्री में, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर रूल किया। सो आइए जानते हैं एजुकेशन ऑफ चाणक्य। ही वॉज एजुकेटेड एट तक्षशिला, एन एंशियंट सेंटर ऑफ लर्निंग लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न एंशियंट इंडिया, प्रेजेंट डे दैट इज़ इन पाकिस्तान। He grew up to be a well-read young man with knowledge in a variety of subjects including economics, political science, war strategies, medicines and astrology. It is also believed that he was familiar with elements of Greek and Persian learning. He was fully knowledgeable concerning the Vedas literature too. After completing his education, he became a teacher that is known as Acharya of political science and economics at तक्षशिला। सो सी फ्रेंड्स, अगर हम उनके एजुकेशन के बारे में बात करें तो वो एजुकेट हुए थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। और ये एक बहुत ही वेल रीड यंग मैन थे जिनका अलग अलग फील्ड्स में नॉलेज था, जैसे कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, वार स्ट्रेटजीज, मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी। इट इज़ ऑल्सो बिलीव दैट वो एक बहुत ही फैमिलियर एलिमेंट्स ऑफ ग्रीक एंड पर्शियन लर्निंग, मतलब वो ग्रीक और पर्शियन लर्निंग के बारे में भी नॉलेज रखते थे। ही वॉज फुली नॉलेजेबल कंसर्निंग द वेदास लिटरेचर टू, उनको वेदास का भी लिटरेचर के बारे में बहुत नॉलेज था। आफ्टर कम्प्लीटिंग हिज एजुकेशन ही बिकम टीचर, जिनको हम आचार्य भी बोला करते थे एंशियंट टाइम्स में, पोलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स एट तक्षशिला। नेक्स्ट इज लेट अस डिस्कस
discuss about the books he has written. Chanakya was a philosopher, economist, and a statesman who wrote the Indian political treatise, the Arthashastra, that is also known as economics. He had compiled almost every aspect of what had been written in India up to that time regarding property, economics, or material success. Arthashastra and Chanakya Niti, Arthashastra and Chanakya Niti, also known as Chanakya Niti Shastra. So see friends, ye do important books ke baare mein hame jana bahut zaruri hai, Arthashastra and Chanakya Niti. Establishment of Mauryan Empire. आइए डिस्कस करते हैं कि उनका क्या रोल रहा है मौर्यन एम्पायर को इस्टेब्लिश करने में. बिगनिंग हिज कैरियर एज अ टीचर, ही वेंट ऑन टू बिकम अ ट्रस्टेड एली ऑफ एम्परर चंद्रगुप्त. एक्टिंग एज द एम्परर्स काउंसलर एंड एडवाइसर, ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन हेल्पिंग चंद्रगुप्त ओवरथ्रो द पावरफुल नंदा डायनेस्टी एट पाटलिपुत्र इन द मगध रीजन एंड हेल्प चंद्रगुप्त कंसॉलिडेट हिज पावर्स. Chanakya also served as the advisor to Chandragupta's son Bindusara. So see friends, हमें यहाँ से ये पता चलता है कि उन्होंने अपना जो करियर है वो एक टीचर से स्टार्ट किया और उसके बाद वो एक ट्रस्टेड एली बन गए एम्परर चंद्रगुप्त के. ठीक है, फिर उन्होंने चंद्रगुप्त काउंसलर और उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई एम्परर्स काउंसलर एंड एडवाइसर और एक वो इंस्ट्रूमेंटल रोल निभाया इन हेल्पिंग चंद्रगुप्ता ओवरथ्रो दी पावरफुल नंदा डायनेस्टी एट पाटलिपुत्रा. ओके, और जो चाणक्य थे उन्होंने रोल निभाया एज एडवाइजर टू चंद्रगुप्त सन बिंदुसारा. चाणक्य वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द किंग धनानंदा हु वॉज द रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी. ही वॉज अ पावरफुल किंग दो डिस्पाइज्ड बाई हिज सब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ हिज विकिडनेस. द किंग इंसल्टेड चाणक्य एंड द एम्बिटर्ड चाणक्य स्वोर टू डिस्ट्रॉय द नंदा किंगडम. द डिटरमाइंड चाणक्य स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ वर्दी सक्सेसर टू ब्रिंग अबाउट द डाउनफॉल ऑफ द नंदा किंग एंड मीट द यंग चंद्रगुप्त मौर्य. सो सी फ्रेंड्स, चाणक्य जो थे वो इंट्रोड्यूस हुए धनानंद से जो कि रूलर था नंदा डायनेस्टी का. सो वो एक पावरफुल किंग था दो डिस्पाइज्ड बाय हिज सब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ हिज विकेडनेस. सो जो किंग था उसने इंसल्ट किया चाणक्य को और चाणक्य ने उस टाइम कसम खाई टू नंदा किंगडम को डिस्ट्रॉय करने की. सो द डिटरमाइंड चाणक्य स्टार्टेड सर्चिंग फॉर वर्दी सक्सेसर. फिर उन्होंने सर्च शुरू कर दी एक वर्दी सक्सेसर की जो कि नंदा किंग को ओवरकम करे और इस तरह से उनकी मुलाकात हुई चंद्रगुप्त मौर्य से. चाणक्य वॉज अ हाईली इंटेलिजेंट एंड श्रूड पर्सन. ही डिवाइज्ड सम मैनिपुलेटिव वॉर स्ट्रैटेजीज एंड इवेंचुअली सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग अबाउट द डाउनफॉल ऑफ द नंदा डायनेस्टी एट पाटलिपुत्रा इन द मगध रीजन. फॉलोइंग द डिफीट ऑफ द नंदा डायनेस्टी of the last Nanda king, he established a new empire with Chandragupta Maurya as the emperor and continued serving him as his trusted political agent. And ruthless Chanakya played a pivotal role in helping Chandragupta turn the Mauryan empire into one of the most powerful empires of that time. The initial territory controlled by Chandragupta that extended all across northern India from the Indus River in the west to the Bay of Bengal in the east was further expanded as the Mauryan Empire gained control of Punjab. So thank you so much friends. Iska part 2 hum aane wali videos mein discuss karenge. So stay.